मोदी सरकार की युवा मंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल का यूपी की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। वो अपने राष्ट्र दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही कल्याण राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अनुप्रिया 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। अपने बेबाक भाषण से अनुप्रिया को अपना दल का प्रगतिवादी चेहरा माना जाता है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में अनुप्रिया को मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के पटेलों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया है। अनुप्रिया दोबारा पीएम के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना सकती है। 2014 के आम चुनाव के दौरान अपना दल ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था। 2014 में ही मिर्जापुर क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में भी दल की अहम भूमिका रही है। अनुप्रिया प्रधानमंत्री की कार्यनीति से प्रभावित हैं और वे कहती भी हैं कि 5 साल के गठबंधन में पार्टी आगे ही बढ़ी है। कुछ समस्याएं भी आई हैं जिन्हें भाजपा के मुख्य नेताओं के सामने रखा गया है। बड़े दल के साथ गठबंधन में छोटे दलों को कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ता है। बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो देकर उन्हें निगम और बोर्ड में स्थान दिया है। अनुप्रिया का जन्म कानपुर में 28 अप्रैल 1981 को हुआ था। अपनी शिक्षा में अनुप्रिया ने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन एमिटी विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मनोविज्ञान में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। उन्होंने एमबीए कर एमिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है। अनुप्रिया के पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल के संस्थापक थे। पिता की मृत्यु के बाद अनुप्रिया पटेल ने अपना दल की कमान संभाली। 2014 में रोहनिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टिकट को लेकर अनुप्रिया और उनकी मां कृष्णा पटेल में विवाद हो गया था, जिसके बाद कृष्णा पटेल को दल से निष्कासित कर दिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।